हेलो गाइस, क्या आपका एक ब्लॉग या वेबसाइट है मगर वो गूगल एडसेंस से अप्रूव नहीं हो रही? लो वैल्यू कंटेंट या प्राइवेसी पॉलिसी के इशू बार बार आ रहे हैं मगर आपको तो अर्निंग करनी है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसा एड्स नेटवर्क शेयर करूंगा जिस पर अकाउंट बनाना और उसको वेरीफाई करना सिखाऊंगा। अकाउंट बनाना सभी सिखाते हैं मगर वेरीफाई करना कोई नहीं सिखाता। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। सो चलें स्टार्ट करते हैं। सो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है adstera.com। तो आपके पास इस तरह से कुछ इंटरफेस ओपन होगा। सो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली यहां पर आ सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, यहां पर आपने साइन अप पर क्लिक कर देना है। साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहां पर तीन ऑप्शन मिलेंगे टू साइन अप। सो फर्स्ट है एज अ एडवर्टाइजर, अगर आप अपनी कंपनी के एड्स चलवाना चाहते हैं तो आप इससे जो है वो आप साइन अप कर सकते हैं। अगर आप एज अ पब्लिशर है, मीन आपकी वेबसाइट है, आप कॉन्टेंट क्रिएटर है, सो देन आप सेकेंड ऑप्शन के जरिए जा सकते हैं साइन अप के लिए। सो हमारे पास थर्ड है एफिलिएट। एफिलिएट क्या होता है कि हम इसका एफिलिएट लिंक जनरेट करके अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑडियंस के साथ शेयर करके उनको ज्वाइन करवाएंगे एडस्टेरा, तो उसका कमीशन कुछ भी आपको एडस्टेरा प्रोवाइड करेगा। सो हम अभी के लिए जो जा रहे हैं एज अ पब्लिशर, सो यहां पर हम एज अ पब्लिशर साइन अप करते हैं। सो गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं और हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो इंटरफेस ओपन होगा। सो मेरा नेट थोड़ा स्लो है, इस चीज को आपने कंप्रोमाइज करना है। सो यहां पर जो है विंडो ओपन हो जाएगी और यहां पर हमने क्या करना है, डिटेल्स अपनी ऐड करनी है। सो यहां पर आपने क्या करना है, अपनी मेल सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद आपने अपना नाम सेलेक्ट कर लेना है। सो आपने मेक श्योर करना है कि आपका नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए और आपके सेकंड नेम का भी जो है वो जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए। सो यहां पर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पर लॉग इन मीन के अपना यूजर नेम सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद मैं यहां पर अपना यूजर नेम सेलेक्ट करता हूँ। सो यहां पर उस्मान 404 मैंने अपना यूजर नेम सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं इसको कोई पासवर्ड दे देता हूँ। सो आपने जो भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है आप रख सकते हैं। सो यहाँ पर मैं एक पासवर्ड ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, मैसेंजर पर जाना है और यहाँ पर आपने कुछ भी अपना मैसेंजर ऐड करना। सो मैं यहाँ पर व्हाट्सएप ऐड करता हूँ। व्हाट्सएप ऐड करने के बाद आपने सिंपल अपना यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे देना है। सो यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। सो आप ट्राई कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी होगी मैं आपको जो है विद इन नो टाइम आपको रिस्पॉन्स करूंगा। सो यहाँ पर ये सब करने के बाद आपने क्या पेमेंट मेथड पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने फिलहाल के लिए आपने यहां से कोई भी पेमेंट मेथड आपने सिलेक्ट कर लेना। सो यहां पर मैं वेब मनी सिलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद आपने इसको चेक मार्क करना और साइन अप पर क्लिक कर देना। साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो ये साइन अप हो जाएगा और उसके बाद आपको लॉग इन करने को बोलेगा। सो यहां पर हम इसका वेट करते हैं जब ये हमारी डिटेल्स को जो है वो क्रॉल कर लेता है। सो यहाँ पर हमारे पास जो है हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है और वो हमें बोल रहे हैं कि अपनी मेल जो है उसको वेरीफाई करो, अपना इनबॉक्स देखो। सो मैं ये वाली मेल जो है अपनी वो चेक करता हूँ और उसमें जो है मैं अपना इसको वेरीफाई करवाता हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो यहाँ पर मैंने क्या किया कि अपने मोबाइल से जो है मैं अपना जो मुझे मेल आई है इसी जीमेल पर, सो मैंने उसको वेरीफाई कर लिया। उसको वेरीफाई करने के बाद आपको सिंपल ये कॉर्नर में लॉगिन का बटन नजर आएगा, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और इसको आपने लॉगिन कर लेना है। सो लॉगिन में वही डिटेल ऐड करनी है जो यहाँ वहाँ पर आपने ऐड की थी। सो यहाँ पर हमारे पास जो है वो जब लॉगिन होता है तो ये वाली हमारे पास स्क्रीन आएगी, ठीक है। सो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल अपना जो अब वहाँ पर आपने लॉगिन क्रिएट किया। सो मेरा तो था उस्मान और कुछ इस तरह से 404, ठीक है। सो उसके बाद मैं अपना यहाँ पर पासवर्ड दे लेता हूँ, ठीक है, जो भी मैंने रखा था। सो आप भी अपना जो क्रिएट किया था आप वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। सो लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से जो है वो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सो हमारा अकाउंट तो क्रिएट हो गया, अब इसको वेरीफाई कैसे करना है। सो चलते हैं उस मेथड की तरफ। सो यहाँ पर क्या करना है कि आपने डैशबोर्ड में आपको नजर आ रहा होगा प्रोफाइल का ऑप्शन। सो यहाँ पर आपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से जो है वो विंडो ओपन होगी और आपकी सभी जो आपने की इन्फॉर्मेशन आपने ऐड की है वो आपको नजर आ रही होंगी। सो आपने यहाँ पर नीचे आना है और आपको यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन नजर आएगा। सो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ से अपना कंट्री सेलेक्ट करना। सो मेरा तो पाकिस्तान है, सो मैं यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपने यहाँ से अपनी करेंसी सेलेक्ट कर लेनी है। सो यहाँ से मैं USD सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद आपने पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। पेमेंट मेथड में बहुत सारे मेथड्स हैं, वेब मनी है, वायर ट्रांसफर है,
बिटकॉइन और उसके बाद और भी बहुत सारे नीचे हैं मेथड्स, तो आप इनमें से कोई भी ट्राई कर सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगता है, मगर मेरे लिए तो बेस्ट वेब मनी है और बिटकॉइन है। सो वेब मनी अगर आप अकाउंट बना सकते हैं, बन जाता है इजीली पाकिस्तान में, सो आप वेब मनी प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करें, उसका अकाउंट बनाएं और सिंपल उसकी डिटेल यहाँ पर ऐड कर दें। सो इसका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो $5 है, $5 होंगे आपके अकाउंट में तो आप उसको इजीली जो है विदड्रॉ करवा पाएंगे। और बिटकॉइन में क्या है, $100 करने पड़ते हैं। सो यहाँ पर मैं वेब मनी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आप अकाउंट टाइप को सिलेक्ट करके इंडिविजुअल कर लें, ठीक है। इंडिविजुअल करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आपने अपने अकाउंट की डिटेल जो है वो ऐड कर देनी है। वो डिटेल आपको कहाँ से मिलेंगी, जब आप अपना वेब मनी का अकाउंट बनाएंगे तो वो ये सभी डिटेल्स आपने वहाँ से उठा के यहाँ पर फिल कर देनी है और सेव प्रोफाइल पर क्लिक कर देना। सो सिंपल ये थे आपके जो मेथड वेरीफाई करने के अकाउंट को और अकाउंट को कैसे बनाया जाता है एडस्टेरा पे। सो अगर आपको नेक्स्ट जो वीडियो चाहिए जिसका जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी वेबसाइट को इसके जरिए 5 मिनट के अंदर अप्रूव करवा सकते हैं और उस पर ऐड कैसे अपनी वेबसाइट पर लगाने हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।